भगवत गीता में जो विराट रूप की चर्चा है उसमें कहा गया है 11वें अध्याय में, न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। तो संपूर्ण विश्व में वही वही दिखाई दे रहे हैं। ठीक यही बात कुरान शरीफ के सूरह अल हदीद में बात आती है, वल अव्वल वल आखिर वल जाहिर वल बातिन, कि वही आदि है। जैसा कि भगवत गीता की बात बताई मैंने, न अंतम न मध्यम, न तो उसका अंत दिखाई दे रहा है, न तो मध्य दिखाई दे रहा है, न तो आदि दिखाई दे रहा है। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम, हे परमेश्वर आप पूरे ब्रह्मांड में आप ही आप नजर आ रहे हैं। गौर करिएगा, अर्जुन दिव्य दृष्टि से पूरी दुनिया को देख रहे हैं। तो ठीक यही बात कुरान शरीफ में भी बात आती है सूरह अल हदीद में, हुवल अव्वल वल आखिर व जाहिर वल बातिन व हुवा कुल्ले शयइन अलीमा, कि वही आदि है, वही अंत है, वही साकार है, वही निराकार है, और वही सब कुछ जानने वाले हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में जब एक ही परमेश्वर व्याप्त है तो उस एक के अलावा दूसरे की उपासना तो होगी ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। हाँ, अपने अपने चाहे किसी भी विधि से उसकी उपासना करिए, चाहे किसी भी भाषा से उसकी उपासना करिए, चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में उसकी उपासना करिए, वो परमेश्वर तो एक ही है। लेकिन ना समझी से लोग, मैंने शुरू में ही बताया कि तेरा मेरा तू तू मैं का ऐसा जहर घोल रखा है लोगों ने कि उसमें सब पूरे तरह से विनाश ही विनाश होता चला जा रहा है।